एक्सरसाइज ने प्रश्नावली, एक्सरसाइज हो गया 2.5। पहला, उपयुक्त शब्द समीकरण का प्रयोग निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात करिए। तो हो गया x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10, ये जो है गुणनखंड रूप में है, इसका गुणनफल ज्ञात करना। गुणनफल किसको कहते हैं? अब देखिए 2 × 3 बराबर कितना होगा 6, ये हो गया गुणनफल। क्या आ गया? गुणनफल। ये इसको क्या कहते हैं? गुणनखंड। क्या कहते हैं? गुणनखंड। तो ये दोनों का अंतर समझिए, ये गुणनखंड हुआ, ये गुणनफल हुआ। फल मतलब खाने वाला फल नहीं, इसका मल्टीप्लाई वाला। x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10, इसको मल्टीप्लाई करिएगा, इसका फॉर्म किस तरह से रहता है? ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी, इसका फॉर्म हो जाता है ए इंटू ए प्लस सी और फिर बी इंटू ए प्लस सी। तो ये हो जाता है ए इंटू ए सी फिर बी इंटू ए बी इंटू सी, इस फॉर्म में ये रहता है। ठीक है, तो इस फॉर्म में ये बनेगा। अब यहाँ पे बनाइएगा x प्लस 4, तो x को गुना करिएगा x प्लस 10 से, फिर प्लस 4, प्लस 4 को मल्टीप्लाई होगा फिर x प्लस 10 से। तो x इंटू एक्स कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। एक्स को 10 से करिएगा तो कितना, एक स्टेप और लिख लीजिए, x इंटू एक्स मल्टीप्लाई होगा फिर x इंटू 10, ये दशमलव नहीं है, मल्टीप्लाई का साइन है, 4 इंटू एक्स और फिर 4 इंटू 10 मल्टीप्लाई। एक्स को एक्स से करेगा तो एक्स स्क्वायर, एक्स को 10 से करेगा तो 10x, इधर हो गया 4x, इधर हो गया 4 × 40। एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40, ये हो गया। अब जरा इसको समझ लीजिए कैसे बना है। इस फॉर्म में गुना करने का ये रूल है कि सबको सबसे गुना होगा, ऐसा नहीं कि आधा गुना कर दिए, एक्स को गुना कर दिया, फोर को छोड़ दिए, अपना हल्ला कर भी रहा है कि हमको गुना कर दो, कोई देखने वाला नहीं, जैसे ही देखने वाला नहीं तो बस एग्जाम में 0 बटा सन्नाटा हो जाएगा। अब यहाँ देखिए एक्स प्लस 10, एक्स को एक बार गुना की एक्स प्लस 10 से और फिर प्लस 4, यहाँ पे अगर माइनस 4 रहता तो माइनस 4 यहाँ लिखते, लेकिन यहाँ प्लस 4 है तो प्लस 4 को फिर एक्स प्लस 10 से। अब गुना करेंगे एक्स को एक्स से करेंगे एक्स इंटू एक्स, फिर एक्स को 10 से करेंगे एक्स इंटू 10, फिर 4 को x से करेंगे, लिखना बंद करिए समझिए पहले, फिर 4 को 10 से करेंगे, x को x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स को 10 से करेंगे तो 10x, 4 को x से करेंगे तो 4x, 4 × 40 एक्स स्क्वायर, 10x और 4x को जोड़िएगा तो 14x प्लस 40, बाकी सब अकेला है तो उसको जोड़ने की जरूरत है नहीं, ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40 हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉल्व करिए इसको सब लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में है 2x, कौन सा क्वेश्चन है ये, जा कहाँ लिख लिया, सबसे लास्ट का 2 लिख लिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए इसका, x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 10, इसको बनाइएगा तो किस तरह से हो जाएगा, x इंटू एक्स माइनस 10 और फिर प्लस 8 को करिएगा x माइनस 10 से, x को x से करिएगा तो एक्स स्क्वायर और फिर x इंटू एक्स, फिर x इंटू माइनस 10, फिर 8 इंटू एक्स प्लस 8 इंटू माइनस 10, x को x से करिएगा तो एक्स स्क्वायर, ये हो गया माइनस 10x प्लस 8x माइनस 80। अब 10x में से 8x चला गया तो कितना बचेगा, 2x माइनस 80, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको सॉल्व करिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट देखिए, 2 का पहला देखिएगा 103 × 107, सर्व समीकरण का इस करते हुए सीधे गुना किए बिना, डायरेक्ट गुना नहीं करना, गुणनफलों के मान ज्ञात करना है। तो क्या कहिएगा, 103 को क्या लिख सकते हैं, 100 + 3, ये 100 है, और 107 को क्या लिख सकते हैं, 100 + 7। अब इसको गुना कर दीजिए वही जैसे पहले गुना करते थे, 100 + 7 से, या फिर 3 को गुना कर दीजिए 100 +
सात से, 100 को 100 से करेगा तो कितना हो जाएगा, एक दो तीन चार को जीरो, 100 को सात से करेगा तो 700, तीन को 100 से करेगा तो 300, और तीन को सात से करेगा तो 21। अब इसको जोड़ना आसान हो जाएगा, कैसे, एक दो तीन चार, फिर हो गया 700, फिर हो गया 300, फिर हो गया 21, 21 और 7 3 10 एक 11021, 11021 का आंसर देखिए तो क्या है, 11021 है। बच्चों देखिए जरा, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का 2 भी बनेगा। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 3, जोड़ना तो सब लोग जानते हैं ना जी, जोड़ने में तो तकलीफ नहीं है, जोड़ना आसान है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला देखिए, उपयुक्त सर्व समीकरण का प्रयोग करने के लिए गुणनखंड कीजिए, गुणनखंड करना है, गुणनफल नहीं गुणनखंड, 9x² प्लस 6xy प्लस y², इसको बनाइएगा, क्वेश्चन सही है, 9x² प्लस 6xy प्लस y², कैसे बनाइएगा गुणनखंड, देखिए इसको, ये हो गया 3x को क्या लिखो, दो तरह से बना सकते, फार्मूला पर एक, बिना फार्मूला पे भी, किससे बोल रहा है, फार्मूला पे बनाने के लिए ना, सब से तो फार्मूला से ही बनाइए, या जनरल वे भी में इसको बना सकते हैं, 9x को लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर, y को लिख सकते हैं y का होल स्क्वायर, और प्लस 2ab, 2a और प्लस b यानी y, ये किसके फार्मूला में आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला जानते हैं ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वही फिर आगे पीछे वाला में मत कहिएगा, फिर वही चीज़ हो गया, वही चीज़ कल बताए थे, आगे पीछे फार्मूला लिखने से गलत नहीं होगा, ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर, इस तरह से ये बन जाएगा। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखिए, एक्स प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, अगर आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला मालूम है तो आप इसको भी बना सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो क्या करते थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे 3 है तो 2bc और फिर एक बार 2ca, बस इतना जुड़ेगा ये फॉर्मूला बन जाएगा। ए इक्वल टू क्या है यहाँ पे x, बी इक्वल टू क्या है यहाँ पे 2y, और सी इक्वल टू क्या है
फोर जेड, ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी टू स्क्वायर, सी स्क्वायर यानी फोर जेड स्क्वायर, फिर है आपका टू ए बी यानी टू इंटू एक्स इंटू बी यानी टू वाई, फिर टू बी सी, टू बी इजक्वल टू टू वाई, फिर फोर जेड, फिर क्या है फॉर्मूला टू ए सी टू वाई, एक जगह पे क्या है, एक जगह पे आपका कितना है एक्स और ये हो गया सी यानी फोर जेड। एक्स का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा एक्स स्क्वायर, टू वाई का स्क्वायर करेंगे तो दो दूना चार वाई का स्क्वायर, फोर का स्क्वायर करेंगे तो चार चौके सोलह, फोर फोर जा सिक्सटीन जेड स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो टू टू जा फोर एक्स वाई, इसी तरह से टू टू जा फोर फोर जा सिक्सटीन एक्स वाई जेड, वाई और जेड है, फिर इसको करिएगा दो चौके आठ एक्स जेड। अब इसको सिंपल फॉर्म में अगर मान लीजिए कोई मिलता जुलता रहेगा लाइक टर्म रहेगा तो जोड़ेंगे घटाएंगे, लेकिन यहाँ लाइक टर्म नहीं इसलिए ऐसा करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर टू में वन बाई फोर ए माइनस वन बाई टू बी प्लस वन का होल स्क्वायर करिएगा, ए इज इक्वल टू है आपका ए बाई फोर, बी इज इक्वल टू है बी बाई जेड और सी इज इक्वल टू है वन। इसको सॉल्व करिएगा पहले सिंपल फॉर्म में लिख लीजिए ए स्क्वायर यानी ए बाई फोर स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस बी बाई टू, सी स्क्वायर यानी वन स्क्वायर, टू ए बी, ए के जगह पे क्या है ए बाय फोर, बी के जगह पे क्या है माइनस बी बाय टू, फिर है टू टू बी सी तो बी के जगह पे क्या है माइनस बी बाई टू, यहाँ बी लिए है ना बी बाई टू आप इंटू वन यानी सी, फिर है टू सी ए टू, सी के जगह पे क्या है वन, ए के जगह पे क्या है ए बाय फोर, मल्टीप्लाई करेगा उसको सॉल्व करिएगा ए का स्क्वायर ए, अब चार का स्क्वायर करेंगे तो सोलह, माइनस बी का स्क्वायर माइनस बी माइनस माइनस प्लस हो जाता है बी स्क्वायर, टू का स्क्वायर करेगा तो फोर, वन का स्क्वायर करेगा कितना आएगा वन, यहाँ पे टू टू जा फोर कट गया तो इसलिए ए बाय टू है, यहाँ माइनस बी बाय टू, यहाँ पे टू टू कट गया इसलिए माइनस बी, अब बी को वन से करेगा तो माइनस बी ही होगा, और टू टू जा फोर यहाँ कट गया तो यानी ए बाय टू। और एक स्टेप देखिए ए स्क्वायर है सिक्सटीन, बी स्क्वायर है फोर, और ये इसको माइनस ए इंटू बी करेगा तो माइनस ए बी बाय फोर, माइनस बी बी गुने वन करेगा माइनस बी और प्लस ए बाय टू, ये आपका सारा सोल्यूशन हो जाएगा। बच्चों अब क्वेश्चन नंबर फाइव का वन देखिए, गुणनखंड करना है तो फोर एक्स स्क्वायर, फोर एक्स स्क्वायर प्लस नाइन वाई स्क्वायर प्लस सिक्सटी जेड स्क्वायर प्लस ट्वेल्व एक्स वाई माइनस ट्वेंटी फोर वाई जेड माइनस सिक्सटी एक्स जेड, ये आपका इक्वेशन दिखाई दे रहा है, इसमें देखे तो सेल फोन में ऐसा नहीं कि कट जाए भाग, अब सिक्सटी एक्स जेड नहीं दिखाई दे रहा है, ओके माइनस सोलह कहाँ गया एक्स जेड, अब दिखाई दे रहा है ठीक। अब बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो फार्मूला था इसका जस्ट ये उल्टा है ठीक है, ये जो फार्मूला बनाए थे ना उसी का जस्ट उल्टा यहाँ पे अप्लाई होगा, तो उसका फार्मूला क्या था ए स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला भी बनाया है ना, उसी का जस्ट उल्टा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी और प्लस टू ए सी। अब इसमें पिछला क्वेश्चन जो बनाए थे, पिछला क्वेश्चन में क्या था ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तब हम इसको इस फॉर्म में लाए थे जो हमारा लास्ट में आंसर आया है। इस क्वेश्चन में क्या है पहले से इस फॉर्म में हमको इस फॉर्म में लाना है, तो इसका फॉर्मूला उल्टा यहाँ अप्लाई होगा, ये इस फॉर्म में है हमको इस फॉर्म में लाना है, समझ रहे हैं इस चीज़ को। अब देखिए यहाँ ए स्क्वायर इसको क्या लिख सकते हैं, फोर एक्स स्क्वायर को टू एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं नाइन वाई को थ्री वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, सिक्सटी जेड स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं फोर जेड का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। अब यहाँ देखिए, अब आइए यहाँ पे टू ए बी, अब यहाँ पे मेन कंफ्यूजन होता है कि सर किसमें प्लस लगाए किसमें माइनस, लिखिएगा बाद में जरा समझ लीजिए समय देंगे, यहाँ मेन होता है मान लीजिए समय प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं समय प्लस प्लस लगाते जाइए, लेकिन यहाँ माइनस आता है तो समय समस्या आती है स्टूडेंट को बनाने में कि कहाँ माइनस दे कहाँ प्लस दे। अब इसको समझने के लिए सिंपल सा ट्रिक है वो देखिए, यहाँ देखिए एक्स वाई दोनों में प्लस आ रहा है ठीक, यहाँ देखिए फोर वाई जेड में माइनस आ रहा है एक्स जेड में यहाँ माइनस, अब इस दोनों में माइनस आया है तो देखिए किसमें कॉमन है वाई एक्स जेड जेड है, हम जेड में माइनस लगाएंगे, इस चीज को समझ रहे हैं सब लोग, तो जेड में हम लगा देंगे यहाँ पे माइनस
ठीक है। अब जब ये लग गया तो बाकी आसान है। अब देखिए 2ab a के जगह पे क्या है 2x, अब b के जगह पे क्या है 3y, ये है b में, ये a हो गया, ये b हो गया और ये c हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है 2bc, 2 अब b के जगह पे क्या है 3y, और c के जगह पे क्या है -4z, और फिर प्लस 2ac, 2 a के जगह पे क्या है 2x, और c के जगह पे क्या है -4z। और कुछ है? अब इसको अब इस फॉर्म में ले आए, अब जरा इसको चेक कर लेते हैं क्या ये सही है कि नहीं, अभी लिखिएगा नहीं समझिए, जरा क्या चेक कर लेते हैं। 2 × 4 = 12xy आ गया, यहाँ 2 × 3 = 6 = 24xyz आ गया, यानी सही से लिखे हैं। 2 × 2 = 4 × 4 = 6, यहाँ गुना करके आना चाहिए तभी आप सही बना रहे, नहीं तो गलत है। इस फॉर्म में आ गया, यानी इस फॉर्मूला में हम ले आए इसको, इस फॉर्मूला में ले आए ना, तो अब क्या कर रहा है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए बराबर कितना 2x, बी बराबर कितना 3y, और सी बराबर कितना -4z का होल स्क्वायर, या तो भी लिख ही लीजिए। अच्छा जब आएगा तब देखा जाएगा। रहने दीजिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा था 6 का 1 का देखिए यहाँ पर, ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया, यहाँ पे a इज इक्वल टू क्या है हेयर, a इज इक्वल टू 2x एंड b इज इक्वल टू व्हाट इट इज 1, सो वी अप्लाई द फॉर्मूला हेयर टू फाइंड इट, a क्यूब इट मींस 2x का होल क्यूब प्लस b क्यूब इट मींस 1 क्यूब एंड 3ab दैट इज 3 × a दैट इज 2x एंड b दैट इज 1 एंड a प्लस b दैट इज 2x प्लस 1। नाउ वी कैलकुलेट इट, सो 2x 2 × 2 = 4 × 2 = 8x क्यूब, 1 क्यूब इज इक्वल टू 1, वेन एवर यू मल्टीप्लाई 1 इन मैनी टाइम्स देन वी गेट द सेम नंबर्स, सो 3 × 2 = 6x एंड नाउ मल्टीप्लाई 2x प्लस 1, सो नाउ 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 6x इंटू 2 दैट इज 12x स्क्वायर एंड 6x प्लस 1 दैट इज 6x। नाउ लुक हियर, नाउ वी अरेंज दिस पॉलीनोमियल्स अकॉर्डिंग टू इट्स डिग्री, सो 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1, सो दिस इज द आंसर, प्लीज राइट डाउन। a प्लस बी का होल क्यू, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस a प्लस बी, a क्यूब यानी 2x क्यूब, b क्यूब यानी 1 क्यूब, फिर 3ab तो 3 × 2x × 1, फिर है a प्लस बी तो यानी 2x प्लस 1, 2x का क्यूब करिएगा तो 2 × 4 = 8x³, 1 का क्यूब करिएगा तो 1, 1 को कितना भी बार गुना करेंगे कितना आएगा 1 ही आएगा, और 3 × 6x, और इसको गुना करिएगा तो हो जाएगा 2x प्लस 1, अगले स्टेप में 6x को 2 से करिएगा तो 6 × कितना हो जाएगा 6 × 12, और x को x से करिएगा तो x स्क्वायर, फिर 6x को 1 से करिएगा तो 6 × 6 = 1x ही हो जाएगा। अब इसको अरेंज कर लेंगे डिग्री के अकॉर्डिंग टू, 3 है उसके बाद 2 इसके बाद 1 इसका कांस्टेंट टर्म, इस तरह इसको लिखा जाता है। जरा इसका आंसर मिला लीजिए, क्या यही आंसर है या कुछ और है, ठीक। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 का जो है एक और क्वेश्चन देख लीजिए, 3 नंबर नहीं यही लिख देते हैं, 6 का 3 देख लीजिए, 3/2x + 1 कौन लगातार बोले जा रहे हैं, भनभनाहट की आवाज आ रही है, थोड़ा कम बोलिए, पढ़ लीजिए फिर बाद में बोलते रहिएगा। a क्यूब यानी 3x/2 का होल क्यूब प्लस b क्यूब यानी 1 क्यूब, फिर है प्लस 3ab तो 3 × 3x/2 × 1, और फिर है आपका a प्लस बी यानी 3x/2 प्लस 1, 3 × 3 = 9, 9 क्यूब 3 × 3 = 9, 3 × 27, 3 बार गुना करना है ना, 3 × 3 = 9, 3 × 9 = 27, 2 × 4 = 8 एक्स क्यूब प्लस 1, 3 × 9 = 2, इधर हो गया 3x + 2 + 1, 27x³
बाई 28 एंड 1 प्लस 9 थ्री जा, तो 9 थ्री जा 27 एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस 9 एक्स बाई 2। नाउ वी अरेंज अकॉर्डिंग टू इट्स डिग्री, दैट इज 27 एक्स क्यूब बाई 8। नाउ वी राइट 27 एक्स स्क्वायर बाई 4 एंड देन आफ्टर 9 एक्स बाई 2 एंड लास्टली वी राइट द कॉन्स्टेंट टर्म दैट इज 1। प्लीज मैच द आंसर मॉनिटर, इज इट राइट और समथिंग डिफरेंट। 7 का 1, 99 का क्या है, स्क्वायर है कि क्यूब है? हाँ तो क्यूब वही फॉर्मूला लगेगा। 99 क्यूब को क्या लिख सकते हैं? 100 माइनस 1 का क्यूब लिख सकते हैं। इसमें डायरेक्ट गुना मत कर दीजिएगा, 99 गुने 99 गुने 99। एग्जाम में आंसर ले आके खुश हो जाइएगा कि हो गया आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन पूछा है, पहला छठा का छठ से बना दिए, पता चला कुछ भी नंबर नहीं मिला, वैसे नहीं बना। इसमें देख लीजिएगा सर्व समीका यानी फार्मूला का यूज करके बनाना है, ये ध्यान रखिए। अभी फार्मूला लिखे थे ना, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab और क्या है, 3ab ही था ना कि 2ab था, 3ab था कि 2ab था, ठीक है तो 3ab था, तो बनाइए इसको। तो ए क्यू यहाँ ए इज इक्वल टू क्या है 100, और बी इज इक्वल टू क्या है 1, लेकिन माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा ना यहाँ। हाँ तो ये तो प्लस वाला था ना, माइनस का फॉर्मूला अलग होगा, माइनस का फॉर्मूला में माइनस लगेगा ना, ए माइनस बी लिख लीजिए, ए माइनस बी का फॉर्मूला ए क्यू माइनस बी क्यू सब में माइनस है, हाँ वो प्लस वाला है और यहाँ भी माइनस, सब जगह माइनस ही भर गया। ए क्यू माइनस बी क्यू और हो गया माइनस 3ab और a माइनस बी, ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करिएगा तो क्या हो जाएगा, a इक्वल टू ए क्यू यानी 100 का क्यूब, बी क्यू इट मीन्स 1 क्यूब माइनस 3ab दैट इज 3 इंटू 100 इंटू 1। नाउ a माइनस बी दैट इज 100 माइनस 1। नाउ डू द कैलकुलेशन, 100 क्यूब इक्वल टू व्हाट, 1, 2, 3, 4, 5, 6 माइनस 1 क्यूब इट बिकम्स माइनस 300 एंड हेयर इट्स बिकम्स 100 माइनस 9 दैट इज 99। नाउ डू द कैलकुलेशन, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड माइनस 1 99 3 9 27 का 7 कैरी किया 2, 3 9 27 2 229। नाउ गिव द डबल जीरो, नाउ 1000 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड देन इट्स बिकम्स 29701। नाउ सब्ट्रैक्ट इट, 1, 2, 3, 4, 5, 6 वन क्या है ये 0, 7, 9, 2 सब्ट्रैक्ट 10 माइनस 1 9, 0, 9, 9, 9 माइनस 7, 2, 9 माइनस 9, 0, 9 माइनस 2, 7, it becomes 9, that is 9, 7, 0, 2, 9. Please match the answer, monitor, is it right or something different? क्या ये यही है या कुछ और है? अब देखिए जरा, 99 को क्या लिख सकते, 100 माइनस 1, 100 में से 1 जाएगा कितना होगा? 100 में से 1 घटाएंगे तो कितना जाएगा? और 10 रुपया में से 1 रुपया घट गया तो कितना रुपया बचा? आप उसी तरह से यहाँ बनाएंगे, a माइनस बी का फॉर्मूला होगा, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab ए माइनस बी, ए क्यू यानी 100 क्यू, बी क्यू यानी 1 क्यू है ना, वहाँ एक वैल्यू माइनस 3ab तो 3 × 100 × 1 100 माइनस ए माइनस बी यानी 100 माइनस 1। 100 का क्यूब करिएगा, 100 को 3 बार गुना करिएगा तो कितना जीरो आएगा, 2 बार 6 को 0 आएगा, 1 का क्यूब करेगा तो 1 और 3 को 100 से गुना करेगा तो माइनस 300, 100 में से 1 गया तो 99 और यहाँ पे कर दीजिए 300 × 9 तो ये हो जाएगा 297 और डबल जीरो बैठा दीजिए। अब इसमें से घटाइए, इस दोनों को जोड़ दीजिएगा, क्यों जोड़े हैं, क्योंकि दोनों माइनस में हैं इसलिए जुड़ गया है, 297 + 0 = 1 और आपने इसको घटा दीजिएगा तो ये आंसर आ जाएगा। इसमें इस क्वेश्चन में ज़्यादा समस्या होने वाली नहीं है क्योंकि आसान कोसा क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8 देखिए, 8 का 1 देखिए,
8 का वन है आपका कितना, निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड ज्ञात करिए, हो गया 8a³, फिर क्या है प्लस bq, फिर है 12a² b प्लस 6ab² इसको बनाइएगा तो क्या हो जाएगा, 8a³ को क्या लिख सकते हैं, ये जो फार्मूला हम लोग देखे थे इसका जस्ट उल्टा फार्मूला यहाँ लाएगा, हाँ a³ को लिख सकते हैं 2a³, अब bq को क्या लिख सकते हैं b³, ठीक है। अब फिर फार्मूला क्या था, ab वाला प्लस 3ab, तो 3a यानी 2a, अब फिर है b यानी यहाँ b, अब इतना कॉमन ले लिए तो 3 × 6ab, तो कितना बचा इधर, 3 × 6 × 12, ab ले लिए तो कॉमन हो गया 2a, और फिर यहाँ पे a प्लस b है ना फार्मूला में, तो b यानी b, इसको गुना करेगा 3 × 6ab² हो जाएगा। इसका फार्मूला क्या है, फॉर्मूला आप जानते भी बताए थे, अच्छा लिख लीजिए a प्लस बी का होल क्यू aq प्लस bq प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, इसी फार्मूला को उल्टा ढंग से बनाना है। पिछला जो क्वेश्चन बनाए थे उसमें a प्लस बी का होल क्यू के साथ इसको हम लोग एक्सपेंड करते थे, इसमें इस फॉर्म में लाए हैं तो a प्लस बी का होल क्यू हो जाएगा, तो हो जाएगा 2a प्लस बी का होल क्यू, इस फॉर्म में आ जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये हो गया सबका, क्या होगा नहीं समझे, नहीं समझे तो फिर से बताएंगे, तो ठीक है। तो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 सत्यापित कीजिए, 9 का 1 x³ प्लस 1 इक्वल टू x प्लस y एंड x² माइनस xy एंड प्लस y² सो इसको प्रूफ करना है, सत्यापित करना है, तो लेट x इक्वल टू, मान लीजिए हमेशा स्क्वायर क्यों लिखा जाता है, लेट x इक्वल टू 1 कुछ भी मान सकते हैं, और y इक्वल टू मान लीजिए 2 है ना, तो LHS साइड सॉल्व कर लीजिए पहले, LHS में क्या है x³ प्लस y³, x का क्यू यानी 1 क्यू, y का क्यू यानी 2 क्यू, ठीक है। बताइए नासरीन खड़े होइए, 1 का क्यू करेंगे तो कितना आएगा, 1 को 3 बार गुना करेंगे कितना आएगा, 9 क्यों आएगा बच्चे, 1 × 1 × 1 है ना, 1 को 1 करोड़ बार गुना करेंगे तभी क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है बैठ जाइए, आप बताइए खड़ा होइए, 2 का क्यू करेंगे तो कितना आएगा, 2 को 3 बार गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा, क्या ये 6 होना चाहिए, क्या होगा बच्चों 8 होगा, तो बैठ जाइए, और 8 और 1 9 जोड़ दीजिएगा तो 9 आ जाएगा, ठीक है बैठ जाइए। अब RHS साइड सॉल्व कर दीजिए, x प्लस वाई यानी 1 प्लस 2, x² यानी 1² माइनस 1 × 2 और प्लस कितना 2 का स्क्वायर कितना हो गया 1 प्लस 2 3, बॉयज में कोई बात कर रहे हैं पीछे, बात मत करिए, बात करिएगा तो समझ नहीं पाइएगा, 2 प्लस 4 तो 3, ये हो गया 4 में से 5, 5 में से 2 गया तो 3, तो कितना आ गया 9। तो हमने क्या देखा, LHS जो है RHS साइड के बराबर हो गया, इसलिए क्या होगा ये प्रूव हो गया, हेंस इट इज प्रूव, ये प्रूव हो गया यानी सत्यापित हो गया, सत्यापित मतलब सत्य पे जो है, क्या हो रहा मैम इतना गुस्से में क्यों है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 का 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 का 1 निम्नलिखित से प्रत्येक का गुणनखंड ज्ञात करिए, तो 27yq प्लस 125zq
आज सबको पीट पीट के चटनी बना देगी। प्रश्न 9 की तरह ही ये है। अब इसमें ए क्यू प्लस बी क्यू, यहाँ ए इक्वल टू क्या है 3y, यहाँ बी इक्वल टू क्या है 5z। तो अब इस फॉर्मूला को अप्लाई करिए, ए प्लस बी यानी 3y प्लस 5z, फिर ए स्क्वायर यानी 3y का होल स्क्वायर। अब दो बार जो है सो सेम ब्रैकेट नहीं पड़ता, इसलिए बड़ा और छोटा लेंगे या मंझला भी दे सकते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 5z का होल स्क्वायर माइनस ए बी यानी 3y इंटू 5z, 3y प्लस 5z, इसको बनाइएगा इस तरह से तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर यानी 9y स्क्वायर, 5 25 25z स्क्वायर, और हो गया 3 5 15 y और z, ये हो गया। इसी तरह से सेकंड में भी ए क्यू माइनस बी का फॉर्मूला लगा दीजिएगा तो आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, हाँ 13 1/3 13। यदि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 है, 0 यहाँ दिया हुआ है यदि, तो दिखाइए कि x क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इक्वल टू 3xyz, ये साबित करना है। इसका फॉर्मूला देखिए, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब बराबर क्या है फॉर्मूला, ए क्यू प्लस, कौन बोले जा रहा है जी, कौन बड़बड़ा रहा है इधर, क्यों इतना बोल रहे हैं, बीमार तो नहीं हो गया, बोलने का बीमारी। हाँ बोलने का बीमारी हो गया, सब फॉर्मूला कहाँ गया, हाँ मिल गया, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, सब फॉर्मूला सब कहाँ चला गया, यही वाला फॉर्मूला लग जाएगा। फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, फिर हो जाएगा बहुत बड़ा फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए, ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पे x प्लस वाई जेड को लीजिएगा क्या हो जाएगा, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, इधर लिख लिए सब लोग, हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए, यही फार्मूला है ना, यही फार्मूला है ना, हाँ एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड जेड एक्स। अब यहाँ क्या कह रहा है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू कितना बोल रहा है, 0, कितना है 0, इसके जगह पे क्या आ गया 0 और हो गया बाकी सब क्या हो जाएगा 0। मैथ में सबसे ताकतवर कौन है, 0, तो कर दिया सबको 0 और अपने बन गया हीरो। तब इसको बनाइए, हाँ 0 सबसे बड़ा हीरो, तो क्या हो जाएगा, इसको उधर भेज दीजिए, एक्स एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 3xyz, को उधर भेज दीजिए तो 3xyz, यही ना साबित करना था।
यही साबित कर दिए। लिख दीजिए इट इज प्रूव्ड, इट इज प्रूव्ड। सॉल्व एक्सरसाइज 2.5। हाँ ये इसको बना